स्ट्रेंग्थ्स फाइंडर 2.0 टॉम रेथ द्वारा लिखी गई एक पुस्तक है जो व्यक्तियों को उनके विशेष सामर्थ्यों की पहचान और विकास में मदद करने का उद्देश्य रखती है, जिसमें व्यक्तियों को उनकी मजबूतियों का पता लगाने और विकास करने में मदद मिलती है। इस पुस्तक में कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिसके कुछ पॉइंट मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो आइए देखते हैं स्ट्रेंथ्स फाइंडर 2.0 बुक में से लिए गए कुछ महत्वपूर्ण सीख। पहला, सामर्थ्यों पर आधारित दृष्टिकोण। अपनी कमियों के बजाय अपने सामर्थ्यों पर ध्यान केंद्रित करें। इस पुस्तक में महत्वपूर्ण ध्यान दिया जाता है कि दुर्बलताओं और कमियों पर ध्यान केंद्रित करने से अधिक महत्वपूर्ण होता है अपनी सामर्थ्यों की पहचान और विकास करना। रेथ ये दावा करते हैं कि व्यक्ति अपनी प्राकृतिक प्रतिभा के आधार पर अधिक सफलता और संतुष्टि प्राप्त कर सकते हैं बजाय अपनी कमियों को ठीक करने का प्रयास करने का। दूसरा, क्लिफ्टन स्ट्रेंथ्स आकलन। स्ट्रेंथ्स फाइंडर 2.0 के साथ एक व्यक्तिगत मूल्यांकन उपकरण के रूप में क्लिफ्टन स्ट्रेंथ्स आकलन पेश किया जाता है। इसमें 34 संभावित थीम्स में से 5 सबसे मजबूतियों की पहचान करने के लिए कुछ प्रश्न होते हैं। यह मूल्यांकन व्यक्ति को स्वयं जागरूकता प्राप्त करने और अपने विशेष प्रतिभाओं को समझने में मदद करता है। तीसरा, सामर्थ्य व कौशल। रेथ सामर्थ्य और कौशलों के बीच अंतर को विभाजित करते हैं। जबकि कौशल सीखे गए क्षमताएं होती हैं और सामर्थ्य प्राकृतिक प्रतिभाएं होती हैं जो व्यक्ति के पास होती हैं। पुस्तक इस बात पर जोर देती है कि सामर्थ्यों के विकास पर ध्यान केंद्रित करने से कौशलों की तुलना में अधिक लाभ मिलेगा। चौथा, 4 नेतृत्व सामर्थ्य के क्षेत्र। रेथ क्लिफ्टन स्ट्रेंथ्स आकलन के आधार पर नेतृत्व सामर्थ्य के 4 क्षेत्रों की पहचान करते हैं, कार्यान्वयन, प्रभाव, संबंध निर्माण और सामरिक सोच। यह क्षेत्र व्यक्ति को उनकी प्राथमिकता वाली नेतृत्व शैली को समझने और विकास के लिए क्षेत्रों की पहचान करने में मदद करते हैं। पांचवा, कार्यस्थल में सामर्थ्य का उपयोग। ये पुस्तक कार्यस्थल में सामर्थ्यों को कैसे लागू करना है इस पर मार्गदर्शन प्रदान करती है। इसमें उचित भूमिका के साथ अपनी सामर्थ्यों को संरेखित करने और उन्हें सफलतापूर्वक उपयोग करने के अवसरों का पता लगाने का महत्व बताया गया है। इसके अलावा अपनी सामर्थ्यों का प्रभावी उपयोग करने के लिए दूसरों के साथ कैसे काम करें के लिए रणनीतियों की सलाह भी दी गई है। छठवां है, सामर्थ्य विकास। रेथ ने सामर्थ्य विकास के विभिन्न तरीकों पर चर्चा की है, जैसे कि अभ्यास करना, ज्ञान प्राप्त करना, मेंटर या कोच ढूंढना और अलग अलग संदर्भों में सामर्थ्यों का उपयोग करने के अवसर खोजना। पुस्तक यह महत्व देती है कि सामर्थ्यों को सक्षम किया और संवर्धित किया जा सकता है इच्छित प्रयासों के माध्यम से। और सातवां है, व्यक्तिगत कार्य योजना। ये बुक एक व्यक्तिगत कार्य योजना बनाने के लिए एक संरचित दृष्टिकोण प्रदान करती है। यह पाठकों को लक्ष्य निर्धारित करने, सामर्थ्यों का उपयोग करने के लिए विशेष कार्रवाइयों की पहचान करने और समय के साथ प्रगति का निरीक्षण करने की प्रक्रिया में पथ प्रदर्शन करती है। ये बुक एक अद्यतन मनोवैज्ञानिक उपकरण है जो पाठकों को सामर्थ्यों पर आधारित दृष्टिकोण अपनाने, अपनी प्रतिभा को समझने और उन्हें सामर्थ्यों में विकास करके व्यक्तिगत और पेशेवर सफलता की प्राप्ति करने की प्रेरणा देती है। कमियों की बजाय सामर्थ्यों पर ध्यान केंद्रित करके व्यक्ति अपनी संपूर्णता को अधिक कर सकते हैं, अपने प्रदर्शन को बढ़ा सकते हैं और अपने जीवन में अधिक संतोष प्राप्त कर सकते हैं।